चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। ये हैं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी। इनका दावा है कि प्रदेश में 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। मतलब गुरु तर्क नहीं है तो कुछ भी बोल देंगे। पहले सुन लीजिए कि मंत्री जी ने क्या कहा। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में। आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया। घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। मंत्री जी के कहने की ही देर थी कि विपक्ष ने तुरंत ही लपक लिया। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि प्रदेश का 100% किसान डीजल का प्रयोग करता है। कमाल है उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी भैया, इनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता है, देश के बारे में नहीं पता है। अरे भैया, यहाँ 100% किसान डीजल का प्रयोग करता है अपनी सिंचाई के लिए, खेती के लिए। इनको यही नहीं मालूम है तो ये किसानों की समस्या क्या करेंगे? कह रहे 95% लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करते। अरे 100% यहाँ किसान डीजल का इस्तेमाल करता है तब जाके अपनी किसानी कर पाता है, खेती मैन उगा पाता है। प्रभु, कुछ तो देश के बारे में जानिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश इतना पीछे जा रहा है। अनुराग भदौरिया के साथ साथ कांग्रेस भी मंत्री जी को लपेटने में मैदान में उतर गए। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने तो इसे तानाशाही बयान करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही तानाशाही बयान देती हुई आई है। जिस तरह से उपेंद्र तिवारी जी ने यह बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रही व उपहास उड़ा रही है। योगी सरकार के कार्यकाल को आपने देखा होगा कि निरंतर बेरोजगारों पे लाठियां दी है सरकार ने। महंगाई चरम पे पहुंच गई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, किसानों की समस्या आज हर क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह के बयान देकर के उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करने का काम उपेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलता है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। ऐसा लगता है जैसे कि पेट्रोल डीजल की बहकी कीमतों ने मंत्री जी की जुबान को भी बहका दिया है। जालौन से अलीम सिद्दीकी और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।